हेलो पढ़ाकू बेटा में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में। देखिए आज से हम लोग क्लास टेंथ की जो साइंस की जो विषय है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्पेशली हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बायोलॉजी को शुरू करेंगे और फिर एक एक करके सभी विषय को यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये जो पुस्तक है एस चंद की है, अगर आपको इस पुस्तक को सिलसिलेवार समझनी है तो आप कृपया करके ध्यान से वीडियोस को देखें। तो आइए शुरू करते हैं लाइव प्रोसेस। देखिए आप कृपया सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जो है कृपया ध्यान अपना जो है यहाँ पर बिल्कुल 100% रखें। ओके, देखिए यहाँ पर जो एक वर्ड है, टर्म है लिविंग। तो लिविंग का क्या मतलब होता है? लिविंग मतलब नॉट डेड, जो मरा हुआ नहीं है, अर्थात जो है जीवित, दैट इज अलाइव। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो अगर और सिंपलेस्ट टर्म में देखें तो अलाइव का मतलब क्या होता है? जीवित या जिंदा, जिसे हिंदी में जिंदा या जीवित कहते हैं ना। अरे जिंदा है या मुर्दा है, तो ये जिंदा मतलब होता है जीवित। देखिए अगर कोई भी थिंग अगर जीवित है, जिंदा है, तो हम लोग कहते हैं लिविंग थिंग्स, यानी कि ऑल दी प्लांट्स एंड एनिमल्स, साथ ही साथ जो ह्यूमन बींग्स है, ये सभी क्या है? लिविंग थिंग्स हैं, जिसे हम लोग अलाइव कहते हैं। इस अर्थ में जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, यहाँ तक कि जो ह्यूमन भी हैं, वो सभी क्या हैं? लिविंग थिंग्स हैं। अब कैसे हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर वो कौन सी क्राइटेरिया है, आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो ये डिसाइड करती है कि कोई भी थिंग जो है वो अलाइव है। देखिए सबसे पहले अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें जो है कि कौन सी थिंग जो है डिसाइड, कौन सी थिंग जो है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, यह डिसीजन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मोमेंट। अगर उस चीज़ में, अगर उस थिंग में मोमेंट हो रही है तो हम लोग कहेंगे कि द थिंग इज लाइव। ओके, देखिए यहाँ पर जो है ना, ये तो एक मोस्ट साइन है कि किसी भी लाइफ, किसी भी ऑर्गेनिज्म में या किसी भी थिंग में अगर वो जीवित है तो वह जो है ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अलाइव है। इसका मतलब ऑल द लिविंग थिंग्स विच आर अलाइव मूव बाय देमसेल्व्स विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, बिना किसी हेल्प के अगर वो मूव कर पाता है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि द थिंग्स आर अलाइव। लेकिन यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, क्या पेड़ पौधे भी मूव करते हैं? क्या नहीं करते हैं? तो क्या हम उसे नॉन लिविंग थिंग बोल दें? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर और भी कुछ क्राइटेरिया है लिविंग थिंग्स को जानने के लिए, तो आइए देखते हैं। देखिए अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स जो है वो मूव कर सकते हैं और हम ये ऑब्जर्व बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर एक मेंढक है जो जंप कर रहा है, एक आप देखिए बर्ड्स है जो मूव कर रहा है, ये भी हवा में, आकाश में उड़ रहा है। आप एथलीट्स को देख सकते हैं जो ह्यूमन बीइंग है, ये भी मूव कर रहा है। ये सभी जो है लिविंग थिंग्स है। लेकिन प्लांट्स जो होते हैं ना वो बहुत ही स्लो मूव करते हैं। स्लो मूव कहने का मतलब वो बढ़ते हैं, आप उसे जो है ना बहुत ही अचानक से जो है आप उसे मूव करते हुए नहीं देखेंगे। वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है देखना, बहुत ही स्लो मूव करते हैं। लेकिन ये जो है, ये जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं ये भी डिफरेंट वेज में मूव करते हैं। अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये किस तरह से मूव करते हैं। आप जानते हैं कि एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स लाइक फ्रॉग। कोई भी अगर एनिमल्स को देखें तो वो वन प्लेस से अनदर प्लेस तो मूव करते ही हैं, साथ ही साथ अपने बॉडी पार्ट्स को भी मूव कर सकते हैं। अगर आप फ्रॉग का ही एग्जाम्पल ले लें तो फ्रॉग जो है वो आपने देखा होगा कि वो जंप करते हैं, वो पॉन्ड के किनारे आकर जो है वो छलांग मार देते हैं। अगर आप देखेंगे बर्ड्स को तो बर्ड्स फ्लाइज इन द स्काई, एथलीट मूव्स व्हेन ही रन्स एंड फिश आल्सो मूव्स व्हेन इट स्विम्स इन वाटर। ओके,
अगर आप अपने अगर हम अपने हाथों को क्लैप करें, अपने चेस्ट को मूव करें, डाउन करें, ब्रेथ करें, सांस श्वास लें, तो हम लोग भी जो है यहाँ पर मूव करते हैं। अगर आप देखें तो डॉग कैन वैग इट्स टेल, डॉग जो है ना वो भी जो है क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। All these movements so that if frog, bird, fish, dog, human beings are alive. तो ये सारी चीज़ें क्या हमें दिखाती है, ये सारी चीज़ें क्या है, alive है। लेकिन plants are fixed in the soil at a place, लेकिन plants क्या होते हैं, वो अपने ही जगह पर, अपने ही soil पर, जहाँ पर वो soil में लगे हुए हैं वहाँ पर वो fixed होते हैं। इसलिए वो animals की तरह एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव नहीं कर सकते हैं। The plants can only move parts of their body such as leaves, flowers, shoots and roots. तो प्लांट्स क्या कर सकते हैं, सिर्फ वो अपने बॉडी के पार्ट्स को मूव कर सकते हैं, जैसे कि उसके पत्ते, पत्ते को आप, उसके जो पत्ते होते हैं उसको आपने बड़ा होते हुए देखा होगा। फ्लावर्स, आपने सनफ्लावर्स को देखा होगा, वो सन को फॉलो करते हैं, जिधर जिधर सन की ओर वो जिधर सन होता है वो उसी की ओर मूव करते हैं। इसके रूट्स को आपने मूव करते हुए देखा होगा, रूट्स जो होते हैं पहले छोटे होते हैं, फिर धीरे 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 ज़मीन के अंदर ये बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना, एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि द प्लांट पार्ट्स मूव टुवार्ड्स ए स्टिमुलस। अब देखिए यहाँ पर स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस मतलब होता है ना जो किसी भी प्लांट या किसी भी ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर वो उसे मूव करने के लिए या फिर जो है उसको रेस्पॉन्स देने के लिए वो जो है प्रेरित करे या उसे एक्टिव कर दे, उसे स्टिमुलस कहते हैं। अब जैसे कि आप पेड़ पौधे को ही देख लें, ये सनलाइट के अकॉर्डिंग जो है मूव करते हैं। ये सनलाइट क्या हो गया, प्लांट्स के लिए स्टिमुलस हो गया। ग्रेविटी जो है, वाटर हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी प्लांट्स के लिए स्टिमुलस है, इसको ये फॉलो करते हैं। जैसे अगर आप ग्रेविटी देखें तो अर्थ की जो ग्रेविटी होती है, तो ग्रेविटी जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, आप जानते हैं पृथ्वी एक आकर्षण बल लगाती है, तो उसी आकर्षण बल को फॉलो करती है पेड़ पौधे भी, और वो जो है उसमें जो रूट्स होते हैं वो ग्रेविटी के कारण ही वो नीचे ज़मीन में जाते हैं। अगर आप देखें फॉर एग्जाम्पल द सूट द लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ ए सन फ्लावर प्लांट मूव बाय बेंडिंग टुवर्ड्स द सन सो एज टू फेस द सनलाइट। तो ये फ्लावर्स और प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं वो सन को फॉलो करते हैं। अब आप यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर एक लीव्स होता है, एक प्लांट है मिमोसा पुडिका। तो मिमोसा पुडिका जो ये जो प्लांट है ये सेंसिटिव प्लांट है, और ये क्या करती है, जब आप अपने फिंगर से इसको टच करेंगे ना तो ये जो है मूव हो जाती है। आपने सुना होगा लाजवंती का पौधा, आप जैसे ही आपने बहुत किसी ने देखा भी होगा, बहुत किसी ने उसे छुआ भी होगा, अगर आप छुएंगे उसे तो वो क्या होती है, लजा जाती है। यहाँ पर जो है ना ये जो है एक्चुअली लजाती नहीं है, उसका जो लीव्स होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, उसमें एक सेंसेशन होती है जिसके कारण वो फोल्डिंग अप हो जाती है। अब जैसे कि रूट्स को देखें, हाँ तो रूट्स भी जो है वो ग्रेविटेशन के कारण वो पौधों में, वो ज़मीन में नीचे की ओर जाती है। अब जैसे कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं, अब नॉन लिविंग थिंग्स जो कि नॉट अलाइव, जो मूव नहीं कर सकते हैं, देमसेल्व्स खुद ही मूव नहीं कर सकते हैं। आप स्टोन को ही देख लीजिए, क्या स्टोन खुद से चल पाता है क्या, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टोन नॉन लिविंग थिंग है। वहीं पर हम बोल सकते हैं कि जो इट्सेल्फ, द थिंग्स विच कैन नॉट मूव बाई इट्सेल्फ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और सो एनी अदर टाइप ऑफ मूवमेंट दैट आर नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पर वी विल हैव टू मूव इट बाय अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम आउटसाइड। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे मूव करवाने के लिए उसे जो है आउटसाइड फोर्स लगाना पड़ता है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ये सभी जो है ना टाइनी लिविंग यूनिट से बने हुए होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल जो होता है ना वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो एक फंडामेंटल यूनिट होता है, जो बहुत ही टाइनी थिंग्स होता है, हम इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। अगर हम लोग देखें
तो सेल्स जो होते हैं ना बहुत ही स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स से बने होते हैं, जिसे हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल आर इनविजिबल टू द नेकेड आई। तो हम लोग जो हैं सेल्स के अंदर की मूवमेंट को नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। अगर आप मॉलिक्यूलर के मूवमेंट को देखना चाहें तो उससे आपको जो है ना ये पता चल जाएगा कि लाइफ जो है, जो यहाँ पर मॉलिक्यूलर है उसका जो मूवमेंट है वो लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए नेसेसरी है। जैसे कि वायरसेस जो होते हैं, जो बहुत सारा वायरस है, तो डू नॉट सो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम। तो उसमें जो है ना किसी भी तरह का जो है वो मूवमेंट नहीं दिखता है, ठीक है। यहाँ तक कि कुछ सेल में भी जो है मूवमेंट नहीं दिखता है। तो इससे जो है ना एक कॉन्ट्रावर्सी बन जाती है। कॉन्ट्रावर्सी क्या बन जाती है कि ये वास्तविकता में जीवित है या नहीं। तो इन एडिशन टू मूवमेंट लिविंग थिंग्स ऑल्सो शो सम अदर करेक्टरिस्टिक्स। तो लिविंग थिंग्स जो होती हैं ना कुछ और भी तरह के करेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। तो हम लोग आइए देखते हैं और किस किस तरह का जो है करेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, आप सभी इसे ध्यान रखें कि लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स, लिविंग थिंग्स नीड फूड एयर एंड वाटर, लिविंग थिंग्स जो है वो अपने आप मूव कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स को भोजन चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स बढ़ सकते हैं, लिविंग थिंग्स कैन रेस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। अगर किसी लिविंग थिंग के चारों ओर में किसी भी तरह का बदलाव हो रहा है, किसी भी तरह का स्टिमुलस मिल रहा है, तो उसके प्रति वो रेस्पॉन्ड देते हैं, रेस्पॉन्स देते हैं, प्रतिक्रिया दिखाते हैं। सपोज दैट अगर आपको किसी ने पिन से किसी ने चुभाया तो क्या आप भागेंगे या नहीं, या किसी सांप ने आपको या कोई कुत्ता ही मान लेते हैं काटने के लिए दौड़े तो क्या आप भागेंगे या नहीं, बिल्कुल भागेंगे। तो यही होता है, लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, दे आर सेंसेटिव, लिविंग थिंग्स रेस्पायर, लिविंग थिंग्स सांस लेते हैं। क्यों लेते हैं, हवा क्यों चाहिए हमें, ताकि हमें हम जो है एनर्जी बना सके अपने बॉडी में, और एनर्जी आपको पता है एनर्जी हर किसी को चाहिए। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ना, जो भी हम लोग खाते हैं वो जो होता है, जब जो भी उसका वेस्ट मटेरियल बनता है उसे हम एक्सक्रीट कर देते हैं। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स जो होते हैं रिप्रोड्यूस भी करते हैं, मतलब अपने ही जैसे एक नई प्रजाति, अपने ही जैसे एक नए ऑर्गेनिज्म को वो जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो है क्षमता रिप्रोड्यूस कहलाती है। तो लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। अब आइए बात करते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। देखिए, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं आपको मालूम है ये सभी कुछ ना कुछ बेसिक फंक्शंस को जो है शो करते हैं, जिससे ये पता चले कि वो थिंग्स जो है अलाइव है। तो आप बोल सकते हैं कि द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ में जीवित रहने के लिए, कोई भी लिविंग थिंग जब सम जो बेसिक टाइप्स ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए, इस अर्थ में जीवित रहने के लिए जब वो कुछ सम बेसिक टाइप ऑफ फंक्शन को शो करते हैं, तो इसे ही जो है लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। दैट इज़ द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। अब जैसे कि बेसिक लाइफ प्रोसेस, अब बेसिक थिंग्स वो क्या क्या है, जैसे कि कहा ना कि जैसे ब्रीथ करना, जैसे एक्सक्रीट करना, रिप्रोड्यूस करना, ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो कोई भी लिविंग थिंग्स परफॉर्म करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि उसका अस्तित्व इस अर्थ में बना रहे। अब देखिए, कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेस जो हर ऑर्गेनिज्म में होते हैं वो क्या क्या होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं। न्यूट्रिशन चाहिए या नहीं, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। रेस्पिरेशन चाहिए या नहीं, आप श्वास तो लेते ही होंगे और हम भी लेते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, एक्सक्रीशन होती है ना,
अगर आप कुछ खाते हैं तो वेस्ट मटेरियल तो हमारे पेट में ही नहीं रह जाती ना, वो हमारे हमसे जो है हमारे पेट से बाहर भी निकलती है, तो दैट इज एक्सक्रीशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल भी चाहिए और कोऑर्डिनेशन चाहिए, इसका मतलब रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुली, मतलब होता है जब किसी भी तरह का, अगर आपको धूप लगी तो क्या आप छांव में ठंडा होने के लिए जाते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन। तो जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो किसी अपने सराउंड के प्रति जो रेस्पॉन्स देता है, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अपने बॉडी में। अगर आपके बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी बीमारी आती है तो आप उसे ठीक करने के लिए न्यूट्रिशन लेते हैं, खुद को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, मूवमेंट भी होती है, रिप्रोडक्शन भी होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं क्या वो रिप्रोडक्शन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो ये सभी क्या है, कुछ बेसिक परफॉर्मेंस, कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है। देखिए न्यूट्रिशन जो होता है वो क्या होता है, हम लोग जो फूड लेते हैं ना अपने बॉडी में, इनसाइड द बॉडी, फिर हम उसको क्या करते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देती है हमारी बॉडी, फिर उसे हमारी बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ये न्यूट्रिशन होता है। फिर रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम एनर्जी को बनाते हैं, जो भी हम फूड एब्जॉर्ब करते हैं, हमारी बॉडी जो फूड एब्जॉर्ब करती है उससे जो है हम क्या कर लेते हैं, उससे हम जो है एनर्जी बना लेते हैं एयर के थ्रू। फिर ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए, ठीक है, जो बॉडी हम जो हम सब्सटेंस एब्जॉर्ब करते हैं जो बॉडी में, उसे हम वन पार्ट से अनदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट भी कर पाते हैं, हमारा बॉडी का सिस्टम ऐसा है, इट मींस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी हमारे बॉडी को चाहिए। अगर देखें तो एक्सक्रीशन भी होती है, अगर हम लोग वेस्ट मटेरियल्स को ले लें तो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है, जैसे कुछ खाते हैं फिर वेस्ट मटेरियल होती है, थ्रू हमारा जो स्वेट होता है, पसीना, यूरिन और जो मलमूत्र होता है उसके द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाती है। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, जैसे ये जो है ना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस चेंजिंग एनवायरमेंट में रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए उसे जो है अनुकूल बनाता है। अब जैसे कि कोई भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म है उस, या फिर चाहे वो कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म है, मूवमेंट क्या होती है, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव्स करते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर पाते हैं, ठीक है, तो ये सभी जो है मूवमेंट होती है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेकिंग ऑफ मोर ऑर्गेनिज्म, अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को बना लेना, वो रिप्रोडक्शन होता है, ताकि इस अर्थ में जो ऑर्गेनिज्म है उसका अस्तित्व बना रहे। ठीक है, तो आगे अगर हम लोग देखें, एनर्जी इज नीडेड फॉर द लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, लाइफ प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी भी चाहिए, बिना एनर्जी के कोई भी थिंग्स चल नहीं सकती। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो हम जो बेहतरीन या अलग अलग जो वेरियस लाइफ प्रोसेस को जो है फंक्शंस को दिखाते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एनर्जी। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, एनर्जी हमें फूड से मिलेगी, और फूड हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक तरह का फ्यूल हो जाएगा। जैसे आप बाइक चलाते हैं ना, बाइक में जिस तरह से फ्यूल लगती है ना उसे चलने के लिए, ठीक उसी प्रकार से किसी भी ऑर्गेनिज्म को चलाने के लिए, उसके लाइफ के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। सो फूड इज ए काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना वो क्या करता है, वो केमिकल एनर्जी को कैरी करता है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए केमिकल एनर्जी या एक केमिकल चेंजिंग करता है। देखिए ये केमिकल एनर्जी हम लोग कहाँ से गेट करते हैं, फूड से करते हैं, केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम लोग गेट कर लेते हैं। अब देखिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे जो है कंटिन्यूसली जो है उसे एनर्जी चाहिए, क्यों चाहिए, ताकि वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाए। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं ना तो उस समय भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, क्यों ज़रूरत पड़ती है,
क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं ना तो हमारे बॉडी में बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस चलते हैं, और बायोलॉजिकल प्रोसेस चलते हैं जैसे भोजन का कंटिन्यू डाइजेशन होता है, और हमारे बॉडी में अगर किसी पार्ट्स में अगर प्रॉब्लम्स है तो लगातार उसकी हीलिंग होती रहती है। तो उन सभी के लिए जो है एनर्जी चाहिए, इसलिए हमारे सोते हुए भी जो है हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। आपको मालूम है ना हमारा हार्ट बीट जो है नॉन स्टॉप जो है हार्ट बीट होता है, धड़कता है ना धड़कन, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों धड़कता है, ताकि ब्लड को हम लगातार हमारा जो हार्ट है वो पंप कर पाए, तो उसे भी तो एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब एंड दिस बीटिंग ऑफ हार्ट रिक्वायर्स एनर्जी, दस द वर्किंग ऑफ हार्ट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी, इसलिए एनर्जी कंटिन्यूअस हमें चाहिए। अगर हम लोग देखें तो द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम द फूड दैट द ऑर्गेनिज्म ईट्स। तो अब देखिए, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम द फूड, तो ऑर्गेनिज्म ये जो एनर्जी आती है ना वो कहाँ से आती है, ये तो फूड से आती है ना, जो हम लोग खाते हैं। इसीलिए फूड जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। किस लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग मेनली इस चैप्टर में कि किस तरह से फूड को लेंगे और किस तरह से जो है इस चैप्टर में हम लोग फूड को कैसे लेंगे, उसको हम लोग कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, इन सभी सारे बातों पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। लिबरेशन ऑफ एनर्जी, किस तरह से एनर्जी बनेगी, आफ्टर वी विल स्टडी द प्रोसेस ऑफ मूविंग द डाइजेस्टेड फूड, उसके बाद हम लोग डाइजेस्टेड फूड जो है वो किस तरह से हम लोग प्रोसेस होगी हमारे बॉडी में उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो और साथ ही साथ वेस्ट मटेरियल कैसे एक्सक्रीट किया जाएगा, इन सभी को। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त होता है, तो आप लोग बने रहें हमारे साथ और देखिए आगे फिर क्या क्या होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।